किसी के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी। प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड प्लानिंग। तो सलमान खान को शर्ट उतार के बॉडी वॉडी दिखाई, क्या होता है ऐसे बॉडी से एक हाथ मार दो बेहोश हो जाए। और यही चीज डॉक्टर अम्बेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते हैं। मुझे प्रॉब्लम है फॉलोवरों से, रोर्स लाइक अ लायन। सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ज्यूज, सबसे पावरफुल कम्युनिटी है बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन पॉलिसी। अब डॉक्टर अंबेडकर को एक बात समझ में आई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज कि नॉलेज नॉट एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर सेज कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस, एनी वन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक अ लायन। क्या बात है, एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस। उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी, दो जरूर पढ़िए, दो किताबें, एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, जबरदस्त किताब, और दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसी भी थिंकर को अगर पढ़ना है और समझना है तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उस पीरियड की कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लीजिए। कभी गांव में जाओ बारिश के समय तो पानी के जो सांप होते हैं ना, उनमें पॉइजन नहीं होता, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते। इफ यू हैव सीन दैट सीन, इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि इफ यू आर विदाउट पावर एंड Poison, you will also be rotated. ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। सबसे ज्यादा emphasis जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो है education पे। आप उनका degrees देखिए, political science में PhD, political science में, economics में, economics में दो बार, और लॉ में। किसी के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी, कुछ भी। बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने 14th October 1956। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, बुद्धा इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, ओनली हु सेज, हु इज एग्नोस्टिक, नॉट एथिस्ट, agnostic. When people used to go to him and ask about God, he used to become silent. And Buddha says, Atma Deepo Bhava. Bhai, Usman Ali, Nizam of Hyderabad, he said to Dr. B.R. Ambedkar, I will give you 2000 crores. With your followers, you turn towards Islam. Unhone kaha, mujhe Islam se koi problem nahi hai. मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है फॉलोवरों से। हर आदमी जो मां से पैदा हुआ है वो शूद्र है। शूद्र मतलब अ पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आएगा, उसका गुरु, हु विल टीच हिम द मास्टरी ऑफ सेंसेस, नॉट सब्जुगेशन, मास्टरी। और यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल लिया अंबेडकर। यू सी हिम, ही इज नॉट अगेंस्ट ब्राह्मिन्स, ही इज अगेंस्ट इवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब डॉक्टर अंबेडकर को इतने मल्टीटास्क काम करने थे, फियर दूर करना था लोगों के मन से, इज्जत दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन देना था, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अंबेडकर। देखो कैसे कोई आदमी, प्रिपरेशन, दुनिया में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, यू विल रोम हियर एंड देयर।
उनका गोल क्लियर है कि जो भी सप्रेस्ड सेक्शन है, सप्रेस्ड इंक्लूडिंग अपर कास्ट वुमेन, प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड प्लानिंग. आपकी लाइफ में अगर प्रायोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो प्रायोरिटी सेट करना है. इफ यू डोंट सेट योर प्रायोरिटीज, यू विल बी गॉन. 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज. 7 महीने कोचिंग हो जाती है, फिर आते हैं, सर बहुत बेचैनी हो रही है, तो पैदल चले जाओ दिल्ली से पुणे तक, या तो तुम बचोगे या बेचैनी. तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है, तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की. अगर इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए ना, तो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी. अंबेडकर का जो पहला मैसेज है ना, प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, तो 1924 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन. सुने? और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस. फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अब देखो कैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, बोले एजुकेशन को प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो. तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, फर्स्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर. अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन, सेकेंड मैसेज. पहले ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, देन ही गोज अब एजुकेशन बनाओगे, इक्वालिटी दिलाओगे, दिलाओगे, लेकिन कैसे दिलाओगे ये चीजें, कैसे दिलाओगे? ही अटेंड्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ही सेज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वी वांट पॉलिटिकल शेयर, हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए. तो फिर कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्ट्रेट, इसको गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं हम यार बर्बाद हो जाएंगे. तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट, यहीं पे पैक्ट हुआ. कितना परसेंट रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटर? 18, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो अगर आप संसद में बैठेंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आप संसद में कैसे बैठेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी. तो 1942 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, प्रायोरिटी. तो वेस्ट को ये बात कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरह पता थी कि अब जिम चलाना है तो सलमान खान को शर्ट उतार के बॉडी वॉडी दिखाई. क्या होता है ऐसे बॉडी से, एक हाथ मार दो बेहोश हो जाए. जो स्ट्रेंथ अंबेडकर में है इंटरनल, वो किसी जिम से नहीं आती. अ पर्सन वॉज आस्ट टू सिट आउटसाइड द क्लास एवरी डे. अभी मैं आपको ह्यूमिलिएट कर दूं, आप दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे. ही वॉज ह्यूमिलिएटेड एवरी डे. यू कैन इमेजिन द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे. लंडन की लाइब्रेरी में बैठते थे, एक पैटिस जेब में रख के बैठते थे, खाने का पैसा नहीं होता था. फिर लंच के टाइम में ऐसे सर रख के उस पैटिस को खाते थे, पानी पीते थे. एक दिन लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी. तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन को बताया कि सर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं खाना खा लूं. पहले नहीं बताया, पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब मैं गरीब घर से आ रहा हूँ, मेरी फीस में आ, ऐसा कुछ नहीं. सीधा इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि हम गरीब थोड़ी है. मैं अभी यहाँ धर्माधिकारी ट्रस्ट है पुणे में, वहाँ क्लास लेने गया था, तो बच्चे बेचारे सब जमीन पे बैठे थे. मुझे पहली बार मैंने देखा यूपीएससी प्रिपरेशन के लड़के जमीन पे बैठे, तो मैं बहुत दुखी हुआ. मैंने कहा यार, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमारे सब गरीब घर के बच्चे. मैंने कहा दोबारा मत कहना. तो बाई चांस वहाँ पे एक फोटो लगी थी शिवाजी और गुरु रामदास की, तो मैंने उन लड़कों से पूछा इसमें अमीर कौन है, तो बोले गुरु रामदास. मैंने कहा ये तो कपड़ा ही नहीं पहने. हमें उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई गई. हमें बताया गया कि मर्सिडीज मींस वेल्थ. नो, गांधी के पास कौन सी मर्सिडीज है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, चेयरमैन ऑफ फिक्की, 1927 कम्स टू मीट हिम इन साबरमती आश्रम. ही वाज फोर्स्ड टू सिट फॉर 4 आवर्स. 4 घंटा बाहर बिठा रखे, बोले चरखा चला रहे. इसको बोलते हैं वेल्थ.